बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आज मैं आपके लिए बहुत ही मौसम के लिहाज से एक इफेक्टिव रेमेडी लेके आई हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही सिंपल और सादा है। गर्मी इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से मैं इसको बनाएंगे। और सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया जो मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, चैनल को देखते हैं, सराहते हैं। आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। और जो चैनल पे नए हैं उन सबको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों की सराहना की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम अच्छी से अच्छी और कारआमद चीज़ें लेके आएँ जो हमारे व्यूअर्स के लिए सूदमंद हों और फ़ायदेमंद भी हों, जो इफ़ेक्टिव हों और जिनको इस्तेमाल करने से उन्हें कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो। चलते हैं जी आज की रेमेडी की तरफ। हमने क्या बनाना है और किस लिए? आजकल सर्दी का सीज़न है, सर्दी हो या गर्मी हो, अक्सर मौसम के लिहाज से इंसान की मतलब कि स्किन में मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। यहाँ सर्दियों में हम ये अमूमन ये होता है कि हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं और हमारी स्किन में ड्राइनेस पैदा हो जाती है। और गर्मियों में ये है कि पानी पानी पीते तो हैं मगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इसकी वजह से भी हमारी स्किन में ड्राइनेस पैदा हो जाती है। तो वजह यही है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज होता है और मौसम के असरात की वजह से ये सारा मसला बनता है। चलते हैं इस रेमडी की तरफ से हमने क्या बनाना है और किस चीज़ लिए। यही है ड्राइनेस के लिए है, ये फेस पे हो जाए या हाथों पे हो जाए उसके लिए हमने इस्तेमाल करना। उसके लिए मुझे चाहिए घर की फ्रेश बलाई, ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल स्पून फ्रेश बलाई है, ठीक है। हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेंज पीर पाउडर। अगर आपके पास है तो ठीक है, ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी बजाय आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको लेमन नहीं सूट करता तो आप इसको अवॉइड कर दें, ठीक है। इसके भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और साथ हम इस्तेमाल करेंगे दो तीन क्लोज ये जो हम ज़ाफ़रान के, ठीक है, इसको ऐड किया। और साथ ही इसके हम शामिल करेंगे चंद कतरे ग्रेसिन के। ग्रेसिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है और स्किन को बिल्कुल बेबी सॉफ्ट करती है। कुछ लोगों को इशू होता है कि वो ऐसे नहीं यूज़ करते, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में शामिल करके इसको इस्तेमाल करें तो इसका बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ यूज़ सादा ग्रेसिन यूज़ करने से भी स्किन में एक गर्माहट सी पेश आती है, तो इसको अगर हम से इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी स्किन को ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट करेगी, खूबसूरत बनाती है और स्किन को बिल्कुल ऐसे फ्रेश रखती है, ठीक है। आपने इसको ऐसे लेना है, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा लेके फ्रेश बना लें, आज का तो सीज़न है, सर्दियों फ्रिज में बना के रख लें। हल्के हाथ से आपने मसाज करना है। एक तो आपकी स्किन मॉइस्चराइजर भी हो जाएगी और स्किन के ऊपर कोई ब्लेमिश है, डार्क्स हुई हुई है, ये देखिए जैसे नकल्स, अक्सर लेडीज़ के नकल्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि नकल्स बहुत ब्लैक होते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इन पर भी अगर गौर करें तो ये ब्लैक, इनकी ये ब्लैक पॉट जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। आपने थोड़ी देर इसको मसाज करें, मसाज करने के बाद अगर आपका दिल करता है इसको रिमूव करने का तो आप रिमूव कर लें, हल्का सा पानी के साथ इसको वॉश करके, ठीक है, वॉश करें, कुछ देर रगा रहने दें, ठीक है। आपकी स्किन ऐसे बिल्कुल हो जाएगी जैसे बेबी सॉफ्ट है बिल्कुल। और ये हमने जो ऑरेंज पील पाउडर डाला है इसकी वजह से वो जो मलाई की एक स्मेल वो चीज़ होती है ना, जो एक बुरी सी फील होती है दूध की, अक्सर लग जाए तो एक स्मेल सी आती है, तो वो नहीं आई, बहुत अच्छी एक खुशबू आ रही है जैसे एक मॉइस्चराइजर लोशन हमने वो चीज़ लगाई हो। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कमाल का ही है। देखिए मैंने अभी इसको वॉश वगैरह नहीं किया और स्किन ऐसे होगी जैसे बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बहुत ही प्यारी। आप इस रेमडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, घर की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए और जो जो कुदरती चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, खाने में भी और लगाने में भी, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपने बनाई आपको कैसी लगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट आपके लिए एक अच्छी और कारामद वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।